नमस्कार दोस्तों, ये माय इंजीनियरिंग सपोर्ट की हमारी 9th वीडियो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए और खासकर मेरे जो भाई फ्रेशर्स हैं या अभी स्टडी कर रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मेन रिइंफोर्समेंट बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार के बारे में कि क्या होते हैं स्लैब में मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार, इनमें डिफरेंस क्या है, इनका मेन फंक्शन क्या है, क्यों डाले जाते हैं ये स्लैब रिइंफोर्समेंट में, जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए एज ए सिविल इंजीनियर। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो, किसी भी रिइंफोर्समेंट स्लैब में मेन तौर पर दो साइज के बार यूज होते हैं, एक है मेन बार और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो आज मैं आपको मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार के बीच में डिफरेंस बताऊंगा जो आप कभी नहीं भूलोगे, ध्यान से देखना इस वीडियो को। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब स्लैब पर कोई लोड पड़ता है तो वह स्लैब के सेंटर पर सबसे ज्यादा होता है, जो स्लैब के बॉटम तक जाता है। तो इसे अच्छे से जानने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि स्लैब पर बेंडिंग मोमेंट क्या होती है। तो चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि आप नीचे पिक में देख रहे हैं, यह हमारी एक स्लैब है जिसके दोनों तरफ बीम है और हम अब इस पर एक लोड अप्लाई करते हैं बिल्कुल इसके सेंटर पर। तो क्या होता है कि जब स्लैब के सेंटर पर लोड आता है तो वह नीचे बॉटम तक जाता है और नीचे की तरफ स्लैब झुकती है, जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं। पर इसके साथ ही साथ यह खिंचाव दोनों साइड के जो बीम होते हैं उन पर भी आता है। तो स्लैब के दोनों पार्ट्स बॉटम और टॉप एक साथ टेंशन में आते हैं, या इसे मैं आपको एक और एग्जांपल देकर समझाता हूं, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आप एक प्लास्टिक पेपर लेकर इसे दोनों साइड से किसी चीज से बांध दो, टाई कर दो, और अपनी उंगली से इस पर बीच सेंटर से प्रेशर डालो, मींस दबाओ। अब आप देखोगे कि ये नीचे तो जाएगा ही, पर जहां आपने इसे दोनों साइड से टाइट किया है वो हिस्से भी ऊपर उठने लगेंगे। तो दोस्तों यही है बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट वो इंड्यूस्ड होने वाली रिएक्शन है किसी भी स्ट्रक्चर की कि जब एक एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई होता है तो वह कारण बनती है उसके बेंड होने की। तो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि स्लैब की बेंडिंग मोमेंट क्या होती है। तो अब हम देखेंगे कि फंक्शन क्या है मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार के। तो दोस्तों वी प्रोवाइड द मेन रिइंफोर्समेंट बार एट द शॉर्टेस्ट पेन डायरेक्शन ऑफ द स्लैब एज शोन इन पिक्चर बिलो, ताकि जो बेंडिंग मोमेंट डेवलप होती है स्लैब में उसे ये ट्रांसफर कर सके स्लैब बॉटम से बीम तक। और स्लैब बेसिकली टू टाइप्स की होती है, वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। और अगर आप वन वे स्लैब और टू वे स्लैब पर भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें। तो वन वे स्लैब में जो स्पैन होती है उसे जो दोनों ऑपोजिट साइड के बीम होते हैं उनसे सपोर्ट मिलती है, और वहीं टू वे स्लैब में स्पैन को जो चारों साइड के बीम होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। इसलिए इनके मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार की डायमेंशन में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि चारों साइड के बीम लोड को एक साथ इक्वल ट्रांसफर करते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है वो शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट करने के लिए डाला जाता है, ताकि स्लैब के टॉप पर क्रैक्स डेवलप ना हो, क्योंकि शियर स्ट्रेस के कारण ही स्लैब के टॉप पर क्रैक्स आने की संभावना होती है। तो चलिए मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार में डिफरेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि मेन बार हमेशा स्लैब के बॉटम में डाला जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन बार हमेशा टॉप में। दूसरा, मेन बार यूज किया जाता है शॉर्टर डायरेक्शन में और डिस्ट्रीब्यूशन बार हमेशा लॉन्गर स्पैन डायरेक्शन में यूज किया जाता है, ये आप ध्यान रखना दोस्तों। तीसरा, जो मेन रिइंफोर्समेंट बार होता है वह हमेशा हायर डायमेंशन का होता है और डिस्ट्रीब्यूशन बार हमेशा लोअर डायमेंशन का, ओनली इन वन वे स्लैब। और चौथा यह है कि मेन बार यूज किया जाता है स्लैब के बॉटम में, जो बेंडिंग मोमेंट डेवलप होती है उसे बीम तक ट्रांसफर करने के लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन बार यूज किया जाता है शियर स्ट्रेस रेजिस्ट करने के लिए और क्रैक्स डेवलप रोकने के लिए स्लैब के टॉप पर। तो आई होप फ्रेंड्स यू विल हैव अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ मेन बार एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो दोस्तों हमें ये बातें ध्यान रखनी है और आपको पता होनी चाहिए एज ए गुड सिविल इंजीनियर। और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपकी नॉलेज को कुछ इन्हेंस करेगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतर जानकारी आप लोगों के लिए लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।